अगर आपकी वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी हो जाए वो भी बजट में। कोई महंगा सेटअप नहीं होने वाला है, केवल 300 से 400 रुपए का सारा खेल है और मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा एक एक चीज का प्राइस के साथ। 300-400 रुपए कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है अपने स्टूडियो सेटअप के लिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैं हूं आप देख रहे हो टेक एडिशन यूट्यूब चैनल। तो आज आपको बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूं, आपके काम की चीज। अगर आप एक क्रिएटर हो, आप अपना सेटअप बिल्ड करना चाहते हो और वो भी आपके पास ज्यादा बजट नहीं है, 300-400 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप इस वीडियो पे रुक सकते हो, अदर आप जा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लास्ट देखना, आपको भी ऐसी वीडियो क्वालिटी में बना के दूंगा, ये मेरा वादा है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेटअप बनाने में आने वाले सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में। पहले तो आपके पास एक अच्छा सा रूम नहीं होता, या रूम होता है तो उसमें कोई क्लीन या फ्रेश वॉल नहीं होती। दूसरा होता है आपके पास इतना बजट नहीं होता कि आप एक महंगे सेटअप पे इन्वेस्ट कर सको। और चलिए देखते हैं कैसे बनने वाला है ये सेटअप और क्या क्या काम हमको करना होगा। आपको अपने रूम का वो पॉइंट सर्च करना है जहाँ पे आप बैठ के एक अच्छी वीडियो शूट कर सकते हो, बैकग्राउंड कैसा भी चलेगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया खाली हो, वहाँ पे अपना एक सेटअप लगा सको। तो आपको एक चेयर लेना है, इस तरह से बैठना है जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। आपका जो कैमरा है, आपका फोन है, इतना एरिया आपका फोन कवर कर रहा है, उतने में आप ब्लैक या ग्रे कलर का कोई भी एक डार्क कपड़ा जिसको आप अपने बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से लगा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने लगाया हुआ है। मेन पॉइंट आता है आपका लाइट सेटअप, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वीडियो क्वालिटी के लिए। बहुत ही ज्यादा महंगा या फिर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है लाइट के ऊपर। मैं भी एक बल्ब यूज करता हूँ, एलईडी लाइट, जो कि 70-80 रुपए के अप्रॉक्सीमेटली मिल जाती है मार्केट में, जैसे कि मैंने ले रखा है। इसी तरह से आपको भी एक सस्ता सा एलईडी लाइट ले लेना है 60-70-80 या फिर 100 रुपए तक। आपको लेना है बाइंडिंग पेपर, पंखे वगैरह की रिपेयरिंग शॉप पे मिल जाएगी। इसका यूज आप डिफ्यूजर की तरह कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये डिफ्यूजर बनाया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप इस तरह डिफ्यूजर बना सकते हो और इसको किसी भी स्टैंड में पाइप या लकड़ी के सहायता स्टैंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया हुआ है। जहाँ पे आपको बैठना है उससे आपको 45 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ ऐसे कुछ करके रखना है, बिल्कुल सामने नहीं रखना है, नहीं तो आपका फोकस सीधे फेस पे होगा तो आपको बिल्कुल भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं दिखाई देगा, आपका फेस भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। आपको बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे रखना। ये तो हो गया आपका मेन लाइट सेटअप। अब मेन पॉइंट आता है बैकग्राउंड लाइट सेटअप, जो आपको यहाँ पे देखिए रेड या ब्लू कलर में आपको कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। आप बल्ब ले सकते हो या फिर आपको RGB लाइट्स आती हैं 50-60 रुपए में, आप उसको भी यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, या फिर आप कोई बल्ब लेके उस पे ये जेली पेपर यूज कर सकते हो, ये जिसका यूज करके आप कलर क्रिएट कर सकते हो। अपना बैकग्राउंड जो लाइट है जमीन पे लगाना है और ऐसी जगह लगाना है जिससे उसकी रोशनी आपके पर्दे पर पड़ती रहे। जैसे चेयर के पीछे मैंने लगा रखा है, उसका पूरा फ्लो आपको पर्दे पे दिखाई दे रहा होगा। अब मेन पॉइंट आता है आपका की लाइट, आपको की लाइट कैसे सेटअप करना है। की लाइट एक और नॉर्मल सा एलईडी बल्ब ले लेना है और उसमें भी आपको इस तरह से जेली पेपर का यूज करना है, जिसको आपको एकदम डायरेक्ट आपको सीधे लगाना है, बट आपको सामने से नहीं लगाना है, अपने लेफ्ट या राइट साइड में जिधर से भी आप इसको लगाना चाहते हो। अगर फोकस इस तरफ से आ रहा है तो आपको की लाइट इस तरफ से लगाना है, ऊपर कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा, फ्लो आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एजिंग लुक क्रिएट करता है आपकी वीडियो क्वालिटी में। बस इतना ही था आपकी स्टूडियो क्रिएट करने में। एक ब्लैक कलर का पर्दा, 3 बल्ब, 2-3 जेली पेपर जिसका आप यूज करके एक लाइट क्रिएट करने वाले हो, एक इफेक्ट क्रिएट करने वाले हो, बस इन चीजों का यूज करके आप इस तरह से एक सेटअप रेडी कर सकते हो। आई थिंक आपको ये सेटअप बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, तभी आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो। अब आपको एक काम और करना है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे, मिस ना हो एक भी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो के साथ। बाय बाय।